हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आइयो बच्चे होंगे। आज मैं आपके लिए कैसा फेशियल लेकर आई हूँ जो आपकी बढ़ती उम्र के लक्षणों कम करके आपकी त्वचा को सुंदर और जवान बनाए रखने में बहुत हेल्प करने वाला है। आज मैं आपको दही से फेशियल बताऊंगी कि कैसे करना है। फ्रेंड्स, इसमें दो स्टेप होंगे, पहले स्क्रब फिर हमारा पैक होगा। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी होती है दही, स्किन के लिए वरदान से कम नहीं होती है दही। बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं। ये डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, पिंपल्स और अन्य समस्याओं को ख़त्म कर देती है जड़ से, अगर हम इसे स्किन पर इस्तेमाल करते हैं। स्किन को चमकदार बनाती है, ग्लोइंग बनाती है, फेयर बनाती है, कलर को, स्किन को साफ करती है। तो बहुत अच्छी आज की हमारी रेमेडी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बनाएंगे हम स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले लेनी है आपको दही। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चम्मच दही ले रही हूँ। दही बहुत अच्छी होती है, स्किन को साफ करती है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, विटामिन सी भी होता है। अब इसके बाद देखिए, मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी ग्रीन टी। ये मैंने खुली ग्रीन टी मंगाई है, मैं इसे पीती हूँ, इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं इसमें आधा चम्मच ग्रीन टी डाल दूँगी। फ्रेंड्स, ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसमें इंफ्लामेटरी तत्व भी होते हैं जो स्किन में बढ़े हुए मेलानिन को कम करते हैं, डार्क स्पॉट्स को कम करती है, त्वचा को साफ करती है, दाग धब्बों को, झुर्रियों को और चेहरे की सूजन को भी कम करने में बहुत हेल्प करती है। ग्रीन टी स्किन पर निखार लाने में हेल्प करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इन दोनों चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। दोनों चीज़ों में भरपूर मात्रा में विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारी स्किन को साफ करने वाले हैं, स्किन पर चमक लाने वाले हैं। जो डार्क स्पॉट्स पड़े हुए हैं, पिगमेंटेशन है, रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ गई हैं समय से पहले, तो उन सबको ये स्क्रब हमारा ख़त्म करने में हेल्प करने वाला है। तो आपने मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाना है, ठीक इसी तरह देखे जैसे मैं आपको हाथ पर लगा के दिखा रही हूँ। पहले आपको अपना चेहरा साफ करना है। मेकअप लगाए तो उसे हटाइएगा, सनस्क्रीन लगाइए तो उसे साफ करिएगा, फिर उसके बाद आपको इस स्क्रब को अपने चेहरे पर लगाकर रगड़ना है। कम से कम 2-3 मिनट तक खूब अच्छे से मसाज करनी है आपको, जैसे फेशियल करते हैं ठीक इसी तरह से आपको खूब अच्छी तरह से मसाज करनी है अपने चेहरे पर। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, सारा मैल, सारी गंदगी, जितने भी कालापन होगा स्किन के रोम छिद्रों के अंदर से खींच कर बाहर लाएगी ये दही और ग्रीन टी। आपकी स्किन को साफ करेगी, डेड स्किन को रिमूव करेगी, आपके डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को, झुर्रियों को घटाने में हेल्प करेगी। तो आपने इसे खूब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर मसाज करके फिर आपको अपना चेहरा नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, धो लेना है नॉर्मल पानी से। न ठंडा पानी हो, न ज़्यादा गर्म पानी हो, चाहे तो आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। तो आपको खूब अच्छी तरह से अपना चेहरा धो लेना है। आप अपनी स्किन देखिएगा फ्रेंड्स, कितनी क्लीन हो जाएगी, कितनी साफ़ सुथरी हो जाएगी, देख सकते हैं आप मेरे हाथ पर इसका रिजल्ट। अब इसके बाद देखिए, अब बनाना है हमको फेस पैक। स्किन को ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि जो हमारे रोम छिद्रों से गंदगी बाहर आई है तो रोम छिद्रों को बंद करना है, नहीं तो उनमें गंदगी घुसेगी, फिर वही जो है डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम बन सकती है। तो पैक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए, मैं लिया है चावल का आटा। चावल का आटा मैं ले लूँगी यहाँ पर 2 चम्मच के करीब। फ्रेंड्स, चावल में बहुत सारे अच्छे तत्व होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फोलिक एसिड होते हैं जो स्किन पर दाग धब्बों को हटाने में और स्किन को वाइट एंड ब्राइट बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है चावल का आटा। इसके बाद लेना है आपको एलोवेरा जेल, 1 चम्मच भर के इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर देना। एलोवेरा में मिनरल्स हैं, विटामिन सी है, ए है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 भी है और विटामिन ई भी है। देखिए, जो स्किन को, स्किन से दाग धब्बों ख़त्म करने में, स्किन से झुर्रियों को, स्किन से झाइयों को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करने वाला है एलोवेरा जेल इसमें मिलकर। और इसके बाद फिर आपको लेनी है दही। 2 चम्मच इसमें आपको दही डाल देनी है बस। अब इसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है फ्रेंड्स। अगर आपका पेस्ट दही में मिक्स हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसमें फिर थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर लेना है बस। और इसके बाद आपको थोड़ा सा गुलाब जल डालकर मिक्स कर लेना है बस इन सारी चीज़ों को। इसके बाद आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना, और ये आपका बहुत अच्छा सा फेस पैक बनकर तैयार होगा।
गुलाब जल भी आपकी स्किन को रिफ्रेश करेगा, ताज़ा बनाएगा, स्किन से दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को, झुर्रियों को घटाने में बहुत हेल्प करेगा, स्किन को क्लीन करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए सारी चीज़ें इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी हैं। आज की जो रेमेडी है आपके चेहरे पर ऐसा फेशियल है, ये ऐसा कमाल करेगा कि आप पार्लर का फेशियल भूल जाएंगे। महंगे से महंगा जो पार्लर फेशियल करवाते हैं उसके आगे ये बिल्कुल फैल है। इतना अच्छा आपको इसके रिजल्ट मिलेगा, मेरा खुद का आजमाया हुआ है, बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स आपको मिक्स करके इसे अपने चेहरे पर लगाना है। पहले देखिए हमने किया है स्क्रब, स्किन को हमने क्लीन किया, अब हम लगाएंगे फेस पैक। देखिए ठीक इसी तरह से लगाना है अपने चेहरे पर, ऊपर की तरफ लगाइएगा। बहुत अच्छा क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। तो आपने इस फेस पैक को लगाकर क्या करना है, बस 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है सूखने के लिए। और रिजल्ट आप अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। फ्रेंड्स इसके बाद एक चीज़ और यूज करनी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। 15-20 मिनट के बाद आप अपना चेहरा नॉर्मल पानी से धो लेना। नॉर्मल पानी से धो सकते हैं, गर्म पानी से नहीं। तो फ्रेंड्स आप रिजल्ट देखिएगा, अभी मेरे हाथ पर देखिए 10 मिनट रखा है मैंने, तो देख सकते हैं आप रिजल्ट कितनी वाइट एंड ब्राइट मेरी स्किन हो गई, कितनी क्लीन, कितनी साफ़ सुथरी। स्किन का रंग भी निखर गया है क्योंकि स्किन साफ़ हो गई है अच्छी तरह से। ऐसे ही आपका चेहरा हो जाएगा फ्रेंड्स जब आप इसे हफ्ते में कंटिन्यू लगाएंगे, यानी कि हफ्ते में आप इसे 4 भी लगा सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप रिजल्ट, देखिए कितनी वाइट मेरी स्किन हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें सारी बहुत अच्छी अच्छी हैं जो आपकी स्किन के कलर को बिल्कुल ही विजिबल चेंज आएगा आपकी स्किन में। देखिए एक हाथ मेरा डल है और एक हाथ की मेरी कितनी फेयर और ग्लोइंग स्किन है, आप देख सकते हैं। ये रिजल्ट आपके सामने है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स, विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने इसे खुद ट्राई किया है। अब देखिए इसके बाद लेना है आपको या तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लीजिए या फिर गुलाब जल ले लीजिए और उसे डालकर अपने चेहरे पर अच्छी तरह से रगड़िएगा जब तक कि वो स्किन के अंदर ना चला जाए। इसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना, आप फ्री हो गए, आप अपनी स्किन में विजिबल चेंज पाएंगे। इतना अच्छा ग्लो, इतना अच्छा निखार आज के फेशियल से आएगा, आप रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स, बस इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी साबुन या फेस वॉश आपको अपने चेहरे पर नहीं लगाना है इसे यूज करने के बाद में, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ये ओली स्किन टाइप है, बहुत अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन पाएंगे आप इससे। तीनों चीज़ें आपको ठीक इसी तरह से लगानी है जैसे मैंने वीडियो में बताई। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर आती हूँ, धन्यवाद।